हाँ जी बच्चे देखें जरा क्वेश्चन। आप मशीन इज परचेज्ड फॉर 10,000 रुपीज़, तो आपके पास में 10,000 रुपये का मशीन खरीदा आपने, तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स आपका सी इक्वल्स टू क्या है, 10,000 रुपीज़। इट इज़ अ डेप्रिशिएटेड एट द कॉन्स्टेंट रेट 6%, आर इक्वल्स टू 6% है, जो कि फ्रैक्शन में क्या होगा, 0.06। क्लियर है बच्चे? और फर्स्ट ये कितने ईयर के लिए है, ये आपका 4 ईयर के लिए है, और एक और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका बच्चे 10%, जो कि 0.10 है, और ये कितने ईयर के लिए, 6 ईयर के लिए है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर 10 ईयर्स के बाद इसकी बुक वैल्यू क्या रह जाएगी, क्या वैल्यू बचेगी। तो बहुत सिंपल है बच्चे ये। तो आपको 10 ईयर के बाद चाहिए, तो आपके पास में कॉस्ट ऑफ एसेट्स 10,000 ब्रैकेट 1 - 0.06⁴ एंड आपका रेट चेंज जाएगा, तो दोबारा से 1 माइनस और न्यू रेट जो आपका है वो ले लेंगे 0.1⁶। बहुत सिंपल है। अब सॉल्व करेंगे, एस इक्वल्स टू 10,000, तो कैलकुलेटर, कैलकुलेटर कहाँ गया भैया, देखो 1 - 0.6 इंटू पार 4 है ना, तो जब तक यहाँ पे 5 नहीं आ जाए, तो क्या आया हमारे पास में, इंटू 0.7807 इंटू 1 - 0.1, तो 0.9 इंटू 6 टाइम्स। तो जब तक मल्टीप्लाई करके बस इक्वल प्रेस करते रहो, जब तक यहाँ पर पावर से एक ज़्यादा नहीं नंबर नहीं आ जाता है, 0.5314। अब सॉल्व करेंगे इसको, आप एस इक्वल्स टू 10,000, चलो अभी जो मल्टीप्लाई 10,000 इंटू 0.7807 इंटू 0.5314, तो आपके पास वैल्यू कितनी आई, 4148.63। ये आपका आंसर है। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 42। मैंने लास्ट क्लास में देखा कि आप लोगों ने जो मॉर्निंग में क्लास रखा उसमें ज़्यादा बच्चे परफॉर्म कर पा रहे हैं, इस टाइम पे बच्चे कम आते हैं क्लासेस में, क्या बात है? ऐसी बात है तो अब मैं मॉर्निंग में क्लासेस रख दूंगा। अ मशीन डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ द 8%, आर 8% है, 0.08 हो गया फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, तो ये आपके पास में एन यहाँ पे 2 साल है। एट द 10% फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर, रेट 10% 0.10, यहाँ पे एन एज अ 3 यूज होगा, एंड देन द एट द रेट 15% पर एनम एंड द नेक्स्ट 3 ईयर, 10% फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर एंड देन एट द रेट ऑफ द 15%, R इक्वल्स टू 15% मीन्स 0.15। फाइंड द वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ द 10 ईयर, तो 2 साल और 3 साल, 5 साल तो यहीं पे बीत चुके, तो पूरे 10 साल की बात कर रहा, तो नेक्स्ट ये 5 साल यूज हुआ है बच्चे, पूरे 10 साल की बात कर रहा है, तो 2, 3, 5 साल यहाँ, तो नेक्स्ट कितने साल तक डेप्रिशिएट लगा उस पर, 5 साल लगा है। इफ द वैल्यू ऑफ द मशीन 1 लाख रुपीज इनिशियली, तो कॉस्ट ऑफ द मशीनरी 1 लाख रुपीज है, फाइंड आल्सो द एवरेज रेट ऑफ डेप्रिशिएशन,
क्लियर बच्चे, हमें क्या बताना है, फाइंड ऑल्सो द एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, के डेप्रिसिएशन का हमारा एवरेज रेट क्या रहा, क्लियर है, वो भी कैलकुलेट करना है। फर्स्ट सबसे पहले आप स्क्रैप वैल्यू निकालो, वो निकाल सकते हो आप, चलो करो कैलकुलेट एक बार। स्क्रैप वैल्यू बताया आपको अभी, निकालना सिखाया है। हाँ जी बच्चे, सबसे पहले आप स्क्रैप वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, क्वेश्चन के अंदर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पहले 2 साल के लिए, उसके बाद 10% नेक्स्ट 3 ईयर के लिए, तो 5 साल की बात हो चुकी है। अब उसके बाद टोटल 10 साल के अंदर आपका जो है, आपको बताना है कि आपकी वैल्यू क्या रह जाएगी। और आपने 5 साल के बाद 15% चार्ज करा है डेप्रिसिएशन, तो इसका मतलब है जो 15% है वो नेक्स्ट 5 ईयर्स तक लगेगा, क्योंकि आपका टोटल 10 ईयर्स के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज है। 2 और 3 पहले हो चुके हैं 5 साल, अब नेक्स्ट डेप्रिसिएशन रेट है वो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए है। सॉल्व करेंगे आप इसको स्क्रैप वैल्यू में, तो फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स 1 लाख रुपीज, 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.08, फिर 1 माइनस रेट डिफरेंट होगा, फिर से करना पड़ेगा 0.10 नेक्स्ट 3 ईयर, फिर 1 माइनस 0.15 नेक्स्ट 5 ईयर। ठीक है बच्चे, स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स, पहले आप इसको सॉल्व कर लें। 1 माइनस 0.08 power 2 है ना, this one, तो क्या है 0.8464 एंड power 3 है 0.729, 1 माइनस 0.15 इंटू 0.4437 एस इक्वल्स टू 1 लाख रुपीस। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, वन लाख रुपीस मल्टीप्लाई बाय 0.8464 मल्टीप्लाई बाय 0.729 मल्टीप्लाई बाय 0.4437, तो स्क्रैप वैल्यू आई है 27377, 0.42 है, तो बस यही आप रखो इसको। ठीक है ना, तो स्क्रैप वैल्यू ही आया है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में आप कैसे निकालोगे, ये देखो ये क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो बच्चे एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या रहता है, जैसे कि आपका एक बार तो आपका रेट डिफरेंट डिफरेंट अप्लाई हुआ है, जैसे यहाँ देखें एक बार आपका 8% लगा, एक बार 10% लगा और एक बार आपका 15% लगा, तो ये सब ना लग करके अगर एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रखें, जिससे कि स्क्रैप वैल्यू इतनी ही आती है बट एक रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता शुरू से लेकर एंड तक और सेम स्क्रैप वैल्यू मुझे मिलता, तो मुझे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रखना था, तो उसको एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम बोलते हैं। तो बेसिकली आप देखो, सबसे पहले आपको आर रेट ऑफ इंटरेस्ट ही फाइंड करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखेंगे कि आपके पास में कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना है, 1 लाख रुपये, और स्क्रैप वैल्यू कहाँ तक आपको पहुँचनी थी, ट्वेंटी सेवन थ्री डबल सेवन
77। ठीक है बच्चे, ये आपका स्क्रैप वैल्यू है। तो बेसिकली आप अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए कि भैया यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई एक रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या कहता है, स्क्रैप वैल्यू इक्वल्स टू सी ब्रैकेट 1 माइनस आर एंड रेस टू पावर एन। स्क्रैप वैल्यू क्या है बच्चे, 27377, और कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या है, 1 लाख रुपीस, और 1 माइनस क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आपने निकालना है, और टाइम क्या है 10 इयर्स। तो सॉल्व करेंगे इसको अगर आप बच्चे, मैं अभी थोड़ी देर के लिए, मैंने अभी वीडियो गया था उसमें मैं अपने लॉग टेबल को ढूंढ रहा था, जन्माष्टमी की सफाई में लॉग टेबल जो है वो साफ हो गया क्लास से, मतलब वो पता नहीं कहाँ चला गया, तो इसलिए मेरे पास में लॉग टेबल नहीं है। मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ कि आप लॉग की वैल्यू देख के बता दो मुझे, वैल्यू देखना मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ, नहीं तो फिर मुझे दूसरे ऑप्शन देखने पड़ेंगे फिर थोड़ा सा। तो क्या है मेरे पास में, ये 5 के आध पॉइंट लग जाएगा, तो 0.27377 इक्वल्स टू 1 माइनस आर रेज टू पावर 10। अब ये भैया आर निकालना है तो पावर का क्या काम करना है, यहाँ पर पावर को नीचे उतारना है, उसके लिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग 0.27377, यहाँ पे लॉग लूँगा तो 10 नीचे आ जाएगा, एंड लॉग 1 माइनस आर। ठीक है बच्चे, तो आई फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इस लॉग की वैल्यू क्या होगी, जरा 4 डिजिट तक देख लो, जरूरी नहीं 5 डिजिट तक देखना है आपको। तो लॉग टेबल में जाओ 27 पे 37 देख लो, और इसमें से फिर एक माइनस कर देना आप। ठीक है बच्चे, पॉइंट के बाद वाली चीज़ों को ही हम टेबल में देखते हैं, और जो पॉइंट से पहले होता है उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। मैं एक बार ढूंढ लेता हूँ लॉग टेबल, मुझे मिल जाए तो बहुत जल्दी ही हो जाएगा, नहीं मिले तो आप कमेंट करके बताइए, उसके बाद भी नहीं आपका कमेंट आता है तो फिर मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आएगा आप लॉग टेबल से देख लेना, देखना सिखा रखा मैंने, यहाँ पे लॉग की वैल्यू निकालेंगे माइनस 0.5625। लॉग टेबल की वैल्यू देख लो, ठीक है बच्चे, और जो वैल्यू आपकी आई है उसमें से क्या करना है आपको, जो वैल्यू आएगी उसमें से आपको 1 माइनस कर देना है, जो इसके आगे वैल्यू होती है दिस वन, और इक्वल्स टू क्या आया, 10 इंटू लॉग 1 माइनस आर। 10 को डिवाइड करोगे आप तो पॉइंट आपका लेफ्ट पे और शिफ्ट होगा, 0.05625 इक्वल्स टू लॉग 1 माइनस आर। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ माइनस 0.056। अब लॉग टेबल कैसे देखते हैं बच्चे बता चुका हूँ मैं, इक्वल्स टू 1 माइनस आर। तो एंटी लॉग कभी भी नेगेटिव वैल्यू कैसे निकालते हैं, लास्ट क्लास देखो उसमें बता रखा है मैंने, ठीक है, पॉइंट से पहले 0 है ना, तो इसमें 1 ऐड करो, प्लस 1 2 होता तो मैं यहाँ पे 3 लेता, 4 होता तो यहाँ पे मैं 5 लेता, तो 0 तो यहाँ पे मैं 1 ले रहा हूँ, प्लस 1 माइनस 1 एंड प्लस 1, और इस फिगर को सेम रखो, तो सेम चीज़ प्लस माइनस करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, इक्वल्स टू 1 माइनस आर। एंड एंटी लॉग ऑफ आप देखेंगे 1 में से अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 माइनस 0.05625 माइनस 1 प्लस 0.94375 इक्वल्स टू 1 माइनस आर, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना एंटी लॉग माइनस 1। क्लियर है बच्चे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 10 रेज टू पावर माइनस 1 इंटू एंटी लॉग ऑफ 0.9437 दिस वन, 4 डिजिट लो, 1 माइनस आर। ठीक है, अब ये आपके पास में 10 माइनस 1 इंटू एंटी लॉग ऑफ दिस, ये मेरे पे लॉग टेबल नहीं है भैया, अब बताओ क्या वैल्यू एंटी लॉक का इसका, मेरे पास तो एंटी लॉक टेबल खो गया यहाँ से,
पूरा सॉल्व करने के बाद जीरो पॉइंट एट जीरो टू एट, ठीक है, पूरा सॉल्व करने के बाद जीरो पॉइंट एट जीरो टू एट इक्वल्स टू वन माइनस आर, एंड जीरो पॉइंट एट जीरो टू एट माइनस वन इक्वल्स टू माइनस आर, वन माइनस पॉइंट एट जीरो टू एट माइनस जीरो पॉइंट वन नाइन सेवन टू इक्वल्स टू माइनस आर, आर इक्वल्स टू जीरो पॉइंट वन नाइन सेवन टू, ये क्या है मेरा आंसर है। क्लियर है बच्चे, ये क्या आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट और आर इक्वल्स टू जीरो पॉइंट वन नाइन सेवन टू इंटू हंड्रेड कर दोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा 19.72%। क्लियर है, समझ में आया बच्चे? लास्ट क्लास में मैंने बता रखा है ये इसको कैसे सॉल्व करते हैं, नेगेटिव वैल्यू ऑफ एंटी लॉग कैसे सॉल्व करते हैं, आप लास्ट क्लास में जाके देखिएगा। मेरे पास लॉग टेबल नहीं था तो मैं एक चीज और करता, थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिखी है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, एन एसेट्स कोस्टिंग फॉर रेट द 4500 विल डेप्रिशिएट टू स्क्रैप वैल्यू ऑफ रेट दिस इन अ 10 ईयर्स, फाइंड द रेट ऑफ द डेप्रिशिएशन। सेम चीजें फिर आपके यहाँ पर भी यूज होंगी, करो इसको अब आप। देखिएगा कर लिया, गुड इवनिंग बच्चों, थोड़ा लेट ज्वाइन करा क्या आप लोगों ने सभी बच्चों ने? फॉर एग्जाम्पल है ना, एसेट्स कॉस्टिंग सी इक्वल्स टू क्या है आपका बच्चे 4500 एंड स्क्रैप वैल्यू 500 रुपीज है और टाइम 10 इयर्स है, फाइंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। नॉर्मल फॉर्मूला क्या है आपका, स्क्रैप वैल्यू इक्वल्स टू सी ब्रैकेट वन माइनस आर रेज टू पावर एन। स्क्रैप वैल्यू क्या है 500, सी क्या है आपका 4500, वन माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने निकालना है 10, कट गया आपका वन अपॉन नाइन इक्वल्स टू वन माइनस आर रेज टू पावर 10। टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग दिस वन वन अपॉन नाइन इक्वल्स टू 10 लॉग वन माइनस आर, और इसको क्या लिखते हैं हम आपको सिंपल, लॉग वन माइनस लॉग नाइन इक्वल्स टू 10 लॉग वन माइनस आर। भाई मेरे पास में लॉग टेबल नहीं है इसलिए मुझे मोबाइल का यूज़ करना पड़ रहा है, लॉग टेबल था वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तो क्लास एंड टॉपिक तो एंड करना ही हमें। तो लॉग जीरो माइनस लॉग नाइन ठीक है इक्वल्स टू 10 लॉग वन माइनस आर, सॉल्व करेंगे माइनस 0.9542 इक्वल्स टू 10 वन माइनस आर, 10 को यहाँ लेके चले जाइए वन माइनस 0.09542, 10 डिवाइड करेगा तो पॉइंट एक और इधर शिफ्ट हो जाएगा वन माइनस आर, ये लॉग जो था ना लॉग इधर जाएगा, अब क्या होगा यहाँ लॉग था, अब लॉग जाएगा तो क्या होगा एंटी लॉग ऑफ माइनस 0.09542
इक्वल्स टू वन माइनस आर, वन माइनस आर, ठीक है। अब देखें यहां पर आप, एंटी लॉग, तो इसमें क्या करेंगे, एंटी लॉग ऑफ दिस माइनस वन प्लस वन एंड माइनस 0.09542 इक्वल्स टू वन माइनस आर, एंड एंटी लॉग ऑफ दिस माइनस वन एंड वन में से माइनस करोगे वन माइनस 0.09542, प्लस 0.9045, एट है आगे, तो ये क्या हो जाएगा सिक्स, वन माइनस आर, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा टेन रेज टू पावर, देखो लास्ट क्लास में सिखा चुका हूँ, अभी भी करा है, टेन रेज टू पावर माइनस वन एंटी लॉग ऑफ 0.9046 इक्वल्स टू वन माइनस आर, एंड एंटी लॉग ऑफ दिस क्या आएगा आपका, देखो बच्चे आज तो सिर्फ प्रैक्टिस ही करवाई है मैंने, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आज मैंने कुछ नहीं पढ़ाया आपको, प्रैक्टिस करवाई है, क्योंकि लास्ट क्लास में सब कुछ बता चुका था मैं आपको, वन माइनस आर इक्वल्स टू 0.8028, ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ये एंटी लॉक की वैल्यू दिस वन, इसको सॉल्व करने के बाद, और सॉल्व करेंगे वन माइनस 0.8028, तो माइनस आर इक्वल्स टू माइनस 0.1972 एंड माइनस से माइनस कैंसिल, आर इक्वल्स टू 1972 एंड इनटू 100 करके परसेंटेज में 19.72% रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्लियर है बच्चे। तो ये क्या है आपका, ये आपकी जो है लॉग वैल्यू, सॉरी डेप्रिसिएशन का टॉपिक यहाँ पर हम पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं, सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए मैंने आपके जेके ठुकराल से, जो भी इसके एग्जाम्पल्स थे सारे एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए, ठीक है, फॉर्मूला मेथड सब कुछ डिस्कस कर लिया इसका। नेक्स्ट क्लासेस में इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरा पेपर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के एक टॉपिक से भरा हुआ रहेगा, उस टॉपिक का नाम है एन्युइटी, जिसकी शुरुआत हम करेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। ये जो आपके पास में लॉग टेबल वगैरह एंटी लॉग टेबल मैंने निकालना सिखा दिया है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ एंटी लॉग भी निकालना सिखा दिया, लास्ट क्लास में जाके आप देख सकते हैं। माधवी शर्मा, आप जो पूछ रहे हो उससे एक बार, मेरे पास में लॉग टेबल नहीं है, अदरवाइज लास्ट क्लास में मैंने अच्छे से बताया हुआ, एक बार लास्ट क्लास वाले टॉपिक को आप देख लीजिएगा, आप यहां से पूछ रहे हैं शायद। दिस वन ये पूछ रहे हैं आप, तो इसमें देखो क्या, ये पॉइंट से पहले क्या है जीरो, तो इसमें एक ऐड कर दो, पांच होता तो छः, तो एक नंबर वो जो आप डिसाइड कर, आपने पॉइंट से पहले जीरो एक ऐड करूंगा एक, तो एक प्लस और एक माइनस दिस वन, अब इसको सॉल्व कर दिया माइनस में रख दिया, माइनस में रहेगा जितने डिजिट रहेगी टेन के ऊपर उतने माइनस में पावर रहेगा, पाँच होता तो पावर माइनस पाँच होता, इसको अलग लिख लिया और एंटी लॉग ऑफ वैल्यू दिस निकाल लिया मैंने, क्योंकि ए प्लस बी होता है लॉग ए इंटू लॉग बी, तो लॉग माइनस वन की वैल्यू निकालोगे तो आपका ये आएगा, और इसके बाद इसको सॉल्व कर करके फिर तो आपकी बेसिक कैलकुलेशन है। हाँ जी, लास्ट क्लासेस में मैंने लॉग टेबल से कर करके दिखाया कि किस स्टेप लिया है यहाँ पे, तो लास्ट क्लास में आपका हो जाएगा, और स्टार्टिंग में देखोगे हाउ टू सी लॉग टेबल, हाउ टू सी एंटी लॉग टेबल, हाउ टू सी नेगेटिव लॉग टेबल, एक अलग फोल्डर बना दूंगा हाउ टू सी लॉग टेबल का, उस तीनों चीज़ें बता दूंगा, बच्चा बार बार कन्फ्यूज होता है इसके अंदर, ठीक है, एक अलग फोल्डर बना दूंगा इसका। मिलते हैं बच्चे अगली कक्षा में, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।